भारत म्यांमार बॉर्डर पर बंधेगी कटीली तारें। 1643 किलोमीटर लंबी होगी फेंसिंग। गश्त के लिए बनाया जाएगा ट्रैक। बाड़बंदी कैसे की जाएगी, इसमें कितने दिन का समय लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी। एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस लीड स्टोरी में आज हम बात करेंगे भारत और म्यांमार की। दरअसल भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाई जाएगी, यानी कि फेंसिंग की जाएगी। इसके साथ ही बॉर्डर पर बेहतर निगरानी की सुविधा के लिए एक गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। पर बड़ा सवाल ये है कि बाड़बंदी कैसे की जाएगी और इसमें कितने दिन का समय लगेगा। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भारत म्यांमार सीमा पर फेंसिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। एबीपी लाइव वर्ल्ड के इस रिपोर्ट में विस्तार से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत और म्यांमार की 1643 किलोमीटर की इस सीमा की निगरानी अब वैसे ही होगी जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन बॉर्डर पर भारत की तरफ से की जाती है। बाकायदा फेंसिंग होगी, गश्ती ट्रैक होगा जो इन सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। अब ऐसा ही भारत और म्यांमार बॉर्डर पर भी होने जा रहा है, लेकिन इसे पूरा करने में कितना समय लग जाएगा, इसके बारे में अभी सटीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि सरकार 6 साल पुराने मुक्त आवाजाही समझौते को खत्म करने पर विचार करेगी। ये समझौता भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों को बिना वीजा के एक दूसरे की सीमा में 16 किलोमीटर तक की यात्रा की इजाजत देता है। उन्होंने ये भी बताया है कि बाड़बंदी कैसे की जाएगी और इसमें कितने दिन का समय लगेगा। भारत म्यांमार सीमा से सटे भारत के कौन कौन से राज्य हैं, किस राज्य में कितने किलोमीटर की बाड़बंदी होगी वो भी बताते हैं। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की 1643 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार से सटी है। अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से सटी हुई है, तो वहीं नागालैंड की 215 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगी हुई है। उधर मणिपुर की 398 किलोमीटर की सीमा जो है वो म्यांमार से जुड़ी हुई है। मिजोरम की 510 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से जुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में हर 1 किलोमीटर की दूरी पर फेंसिंग की जाएगी। मणिपुर में लगभग 20 किलोमीटर तक बाड़ लगाने के काम को भी मंजूरी मिल गई है। कुल सीमा में से मणिपुर के मोहरे में 10 किलोमीटर के हिस्से में बाड़ लगाई जा चुकी है। हाइब्रिड सर्विलेंस सिस्टम यानी HSS से बाड़ लगाने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अब सवाल ये है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने की नौबत क्यों आई। इसकी 3 प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं। पहली वजह, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट। दरअसल फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में संघर्ष बढ़ने से भारतीय हितों के लिए खतरा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस लड़ाई में करीब 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। दूसरी वजह, मणिपुर में आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा। पिछले साल मणिपुर में आरक्षण को लेकर जातीय हिंसा भड़क गई, जिसकी म्यांमार के साथ करीब 400 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी हुई है। आरोप है कि मणिपुर में आकर बसने वाले म्यांमार के प्रभावशाली ड्रग माफिया और पोस्त की खेती करने वालों ने हिंसा को और भड़काया। तीसरी वजह, खुली सीमा से मादक ड्रग्स की तस्करी। सीमा पर बाड़ लगाना इम्फाल घाटी के मैती समूहों की लगातार मांग रही है, जो आरोप लगाते रहे हैं कि आदिवासी उग्रवादी अक्सर खुली सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। मैती समूहों का ये भी आरोप है कि बिना बाड़ वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का फायदा उठाकर भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि वो कौन कौन से देश हैं जहां सीमा सुरक्षा को लेकर किलेबंदी की गई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि LOC जहां पर बाड़े बंदी है और लगातार गश्त होती रहती है। दूसरा, भारत चीन बॉर्डर LOC, बाड़ेबंदी तो नहीं है लेकिन गश्त लगातार होती रहती है। इंडो बांग्ला बॉर्डर यानी कि बांग्लादेश और इंडिया से जुड़ा हुआ बॉर्डर, जहां पर बाड़ेबंदी भी है और लगातार गश्त होती है। नेपाल सीमा पर कोई बाड़ेबंदी तो नहीं लेकिन सुरक्षा बंदी जरूर है। भूटान सीमा पर कुछ इलाकों में बाड़ेबंदी है लेकिन सुरक्षा बंदी हर इलाके में है। हालांकि सीमा सुरक्षा के लिहाज से भारत अब म्यांमार के साथ भी बाड़ेबंदी करने जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि ये पूरा होने में कितना समय लग जाएगा और इससे म्यांमार और भारत के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल एबीपी लाइव वर्ल्ड की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।